आप का कर्तव्य बनता है। कहते हैं आप तेरा जगतार ही, आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे, आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है। लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे, जिसको ज्ञान नहीं है भटक रहे हैं उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे उसको एक बार तो कड़वा लगेगा, आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ में सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूँ पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे आपका तुम्हारा वचन मुझे लग गए कड़ुआ, आप जो कह रहे हो ना अपने आप को मैं सबका मार्गदर्शक हूँ गुरु हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तो परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजा जोई, हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ, हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ आश्रम से प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुंचाने की, आपका आपको एक और विशेष उपकार होगा। आत्म प्राण उधार ही, ऐसा धर्म नहीं और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ गए कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय।